हाय एवरीवन, मैं हूँ अनीमा। माय व्यंजन्स बाय अनीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज जो मैं आपके लिए ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, यह बिल्कुल बटाटा वड़ा के स्टाइल में है। और इसका मेन रीजन क्या है, जो इसकी स्टफिंग हमने बनाई है वो बिल्कुल बटाटा वड़ा की जो स्टफिंग होती है बिल्कुल उसी स्टाइल में बनाई है। तो इस स्टफिंग को देखिए और ये बहुत ही मज़ेदार होती है। अगर आप चाहें तो इसको लाल चटनी या हरे चटनी के साथ खा सकते हैं, या जो बटाटा वड़ा के साथ हम खाते हैं लाल तीखी वाली सूखी चटनी उसके साथ भी आप खा सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बैटर तैयार करेंगे और उसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन ले लिया है। आधे छोटे चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक डाल लिया है और साथ ही के साथ थोड़ा सा हल्दी पाउडर ले लेना है। उसके बाद थोड़ा सा अदरक को ग्रेट करके आपको ले लेना है। आप चाहें तो इसमें भी गार्लिक ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हींग ऐड किया हुआ है, थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर लेनी है, थोड़ा सा तीखापन के लिए यहाँ लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लिया है और इस सबको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। तो ड्राई में ही पहले मिक्स कर लेना है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और एक अच्छा सा हमें बैटर तैयार करना है। तो पहले थोड़ा सा पानी ऐड करना है, उसको अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि जो हमारा बैटर बने वो बिल्कुल लम्प्स फ्री बने। तो यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो पहले गाढ़ा सा एक बैटर हम तैयार कर लेंगे। कंसिस्टेंसी मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूँगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, अब थोड़ा सा फिर से वापस पानी मिलाऊँगी। और ये देखिए थोड़ा सा पानी मिलाया और इसको अच्छे से फिर मिक्स कीजिए और एक अच्छा सा हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। तो ये बैटर तैयार हो चुका है, तो बैटर को हम साइड पर रख देंगे क्योंकि बैटर थोड़ी देर छोड़ने के बाद थोड़ा और थिक भी हो जाता है। तो ये कुछ मसाले हैं, मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी। इससे हम स्टफिंग बनाएंगे, बिल्कुल जो बटाटा वड़ा वाली स्टफिंग होती है वो बनाएंगे। तो 2 बड़े चम्मच के करीब तेल ले लिया है, उसमें ब्लैक सरसों और ये लहसुन को छोटा छोटा काट करके ले लिया है। यहाँ हरी मिर्च मैंने लिया है, बीज को सेपरेट कर दिया है और इसको भी छोटा छोटा काट के ले लिया है। थोड़ा सा अदरक जो ग्रेट करके रखा था वो ले लेना है। यहाँ पे हींग ले लिया और इन सबको हल्का सा स्टर कर लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा करी पत्ता यूज किया है, बिल्कुल जो बटाटा वड़ा वाली जो हमारी स्टफिंग तैयार करनी है तो उसमें ये सारा कुछ बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैंने यहाँ पे बॉइल्ड और मैश्ड पोटैटो है ये, इसको ग्रेट करके मैंने लिया है। 2 मीडियम साइज़ का आलू लिया था, बॉयल करके उसको ग्रेट कर लिया है। तो ग्रेट कर लेने से फ़ायदा क्या हो जाता है, बिल्कुल मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। देखिए ये अच्छे से ग्रेट करके मैंने लिया है और इससे क्या है, जो हम पोटैटो लेते हैं उसको स्टफिंग बनाने में उसे हमें मैश करना होता है, तो ये ईजिली मैश हो जाए, इसके लिए आपको ग्रेट करके ले लेना है। हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे और साथ ही के साथ मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड किया। आप चाहें तो फ्रेश लेमन जूस भी आप इसमें डाल सकते हैं, तो आप चाहें तो आधे छोटे चम्मच नींबू का रस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए और इसको फ्राई कर लेना है। और उसके बाद हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो जाएगी। तो फाइनली मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करूँगी, तो जो फ्रेश धनिया पत्ता हो उसको इसमें कट करके और इसमें ऐड कर लीजिए। लगभग 1 बड़े चम्मच के करीब मैंने ऐड किया है, तो वो भी डिपेंड करता है कि आप कितना ब्रेड पकौड़ा बना रहे हैं और कितनी स्टफिंग बना रहे हैं। अब ये ब्रेड पकौड़ा मैं बटाटा वड़ा के स्टाइल में बना रही हूँ, लेकिन अगर आप बटाटा वड़ा के स्टाइल में नहीं बना रहे हैं, नॉर्मल बना रहे हैं, तो आप मूँगफली या मटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए नज़दीक से बिल्कुल पास से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से हमारा स्टफिंग बनके तैयार हो गया है। तो बस गैस को बंद कर देंगे और यहाँ पे मैं कुछ ब्रेड के पीसेस ले रही हूँ। आप जो ब्रेड लें वो ब्रेड बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, उससे बहुत ईजिली जब हम रोल करेंगे तो ये ब्रेड चिपक जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर्स को हमें कट करके अलग कर लेना है और उससे जो ब्रेड मिलेगा यही हमें यूज करना है। और जो कॉर्नर्स है उसे भी हमें फेंकना नहीं है, उसका आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो इस जो ये जो ब्रेड है इसको रोलिंग पिन से तो हल्का सा रोल कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको सारे ब्रेड के जितने भी पीसेज हैं उसको इसी तरीके से रोलिंग पिन से रोल करके और पतला सा बना लेना है। देखिए है ना, बिल्कुल इसी तरीके से सारा ब्रेड आपका
बन के तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ मैंने सारे ब्रेड को, जितने भी आपको ब्रेड पकौड़ा बनाने हैं, उन सारों को इसी तरीके से आपको बेल करके रख लेना है। इसके बाद बारी आती है कि इसके अंदर स्टफिंग डालना है। तो स्टफिंग जो हमने पहले से बना लिया है, सबसे बड़ी बात है कि स्टफिंग आपकी गर्म नहीं होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए। तो इस तरीके से स्टफिंग ठंडी हो चुकी है और इसको हल्का सा रोल बनाने के जैसा उतना ही स्टफिंग लेंगे जितना ब्रेड के साइज का ही लेंगे, और उस इस तरीके से एक रोल बना के देख लेंगे। अगर और स्टफिंग चाहिए तो आप एक्स्ट्रा डाल लीजिए, या फिर एक्स्ट्रा है तो हटा दीजिए। बिल्कुल नज़दीक से मैं दिखा रही हूँ, जो आपको डालना है स्टफिंग वो थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए डालना है, और इस तरीके से रोल करते हुए एकदम एंड तक इसी तरीके से रोल कर लेना है। और एंड पे ब्रेड में आप थोड़ा सा हल्का सा पानी लगा दीजिए ताकि जो ये जो एंड पॉइंट है वो अच्छे से चिपक जाए। अगर ब्रेड फ्रेश है तो वैसे ही चिपक जाता है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे रख रही हूँ। और कॉर्नर में हल्का सा पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो बिल्कुल ज़रूर पानी लगाइए, और इस तरीके से रोल बना करके, सारा रोल बना करके इसी तरीके से रख लेना है। हल्की सी स्टफिंग डालिए, इसी तरीके से रोल बनाइए, हल्का दबाते हुए कॉर्नर में पानी लगाना है, और पानी लगा के इसको अच्छे से एक रोल बना लीजिए। तो ये देखिए, इसी तरीके से मैं सारे रोल बना लेती हूँ। वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है। यहाँ पे सारे रोल बना करके हम रख लेंगे, और ये ब्रेड जो है ये जब हम बैटर में डालेंगे तो भी ये चिपक जाता है, फिर भी आप पानी लगा के चिपका लीजिएगा। और ये देखिए बैटर जो है, तो इसमें सबसे पहले बैटर हमारा बहुत अच्छे से बन गया है, लेकिन कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी सी पतली लग रही है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, इस तरीके से एक ब्रेड के पीसेस आप इसमें ऐड कीजिए। सारा कुछ तो बहुत सही है, बट जो कॉर्नर है, जो एंड पॉइंट है हमारे ब्रेड का, वो अच्छे से नहीं बन रहा था। तो एक चम्मच मैंने बेसन और डाल दिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद वापस से हम सेम उसी प्रोसेस से चेक करेंगे। वापस से जो ये ब्रेड है हमारा, इसको इसके अंदर डिप करना है, और जो उसका कॉर्नर है सबसे पहले उस पर बेसन लगाना है, उसको जो बैटर है सबसे पहले उस पर लगाना है। देखिए इस तरीके से करके कॉर्नर्स को इस तरीके से अलग से आपको इस तरीके से डिप कर देना है। अब देखिए ये बिल्कुल पैक हो गया, तो ये अच्छे से पैक हो गया, इट मीन्स कि जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से जो ब्रेड है, जो रोल हमने बना के रखा है, उसको बेसन और बेसन के बैटर में इस तरीके से आपको लगाना है। और ये इसको आप डायरेक्ट जो है वो ऑयल में ही डालिए। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बना करके प्लेट में रख रही हूँ, बट इस तरीके से आपको नहीं रखना है। जस्ट यहाँ से आपने उठाया और डायरेक्ट तेल में डालिए, क्योंकि प्लेट में डालने से वहाँ का लेयर एक हट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तेल मैंने गर्म कर लिया है, तो जो ऑयल का टेम्परेचर है वो बिल्कुल मीडियम हीट पर ही होना चाहिए, और जो गैस का फ्लेम है वो भी आप मीडियम हीट पे ही रखेंगे। और यहाँ पर आप चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा तेल डालिए और डीप फ्राई कीजिए। मैं सेल्फ फ्राई कर रही हूँ, तो इतना ही ऑयल काफ़ी है। अब इसमें एक एक ब्रेड के पीसेस आप ऐड कीजिए, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं करना है, जितना ईजिली आ सके उतना ही हमें इसमें डालना है। तो यहाँ पर देखिए तीन रोल मैं एक साथ बना रही हूँ, और इसको डालने के बाद 2 से 3 मिनट आपको छोड़ देना है, 2 से 3 मिनट के लिए इसको आप बिल्कुल मत छेड़िए। उसके बाद हल्का सा आपको इसको पलट करके देखिए, जैसे ही हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो दूसरे साइड पे हम पलट देंगे इसको। इसी तरीके से सारे ब्रेड के पीसेस को आपको हर एक साइड से पलट लेना है, और ये इसी तरीके से अपर लेयर जो है वो बहुत अच्छे से क्रिस्प हो जाएगा। ये देखिए है ना, ये बहुत अच्छे से क्रिस्प हो गया है। तो इसी तरीके से दूसरे साइड से भी हमें क्रिस्प कर लेना है, और जैसे ही ये दोनों साइड से क्रिस्प हो जाता है तो इसको आप किचन टॉवल पे, टिश्यू पेपर पे इसको निकाल लीजिए, ताकि इसमें जो एक्सेस ऑयल है वो टिश्यू पेपर पे ही रह जाए। तो आप देख रहे होंगे कि हमने जो बटाटा वड़ा स्टाइल में ब्रेड पकौड़ा बनाया है वो बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, तो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, दोनों ही हैं। तो इस तरीके से आप बनाइए, और आप सचमुच यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी होती है, और आपको बिल्कुल ही नए स्टाइल में ब्रेड पकौड़ा मिलेगा खाने को। और जिसका स्टफिंग बिल्कुल बटाटा वड़ा स्टाइल में है तो बहुत ही टेस्टी ये लगता है। तो बस इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए, और सर्व करते टाइम थोड़ा सा आप चाहें तो चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं, तीखी मीठी जिस चटनी के साथ भी आप चाहें इसको खा सकते हैं। तो अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल पर बने रहिए,
और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगली रेसिपी मैं कौन सी बनाऊँ। तो मिलती हूँ ऐसी ही मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।